दोस्तों नमस्कार मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी लेजेंड्स ऑफ नेशन के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप जानते हैं कि हर बार एक नए गेस्ट के साथ उनके एक्सपीरियंस को हम जानते हैं और एक्सपीरियंस जानने के बाद अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो आज मेरे साथ हैं स्पेशल गेस्ट यूथ आइकन पुष्कर राज ठाकुर जी यूथ आइकन की बात मैंने क्यों कही क्योंकि जब आपको कोई देखता है ना तो कहता है यस ये वो बंदा है जिसने लाइफ में वो सब कुछ किया जो करना चाहिए इसने हर वो चीज़ हासिल की है जो हासिल एक व्यक्ति के मन में करने की इच्छा होती है तो आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि जो युवा साथी अपने मन में वो विजन लेकर जा रहे हैं वो विजन और मजबूत हो जाए कि यस इफ पुष्कर कैन डू आई कैन डू कल मैं अपनी वाइफ के साथ एक मूवी देख रहा था हाँ। uh, कौन है प्रवीण तांबे अच्छा तो हुआ हाँ। कि मैं यहाँ से यूके जब फ्लाइट में जा रहा था तो आधी मूवी हो पाई okay. आधी रह गई थी तो मैंने बीच से शुरू करी तो लास्ट का जब आने वाला था तो वाइफ ने कहा खत्म होने वाली है मूवी वेफी इंटरेस्टिंग है तो मैंने कहा वो ख़त्म हाँ बिल्कुल बस 18 मिनट की रह गई है अब जब उसने बोला कि होने वाली है तो वो जो मूवी है ना वो मैं काफी लोगों को रिकमेंड करूंगा पहले तो बिफोर आई नाम एक बार दोबारा बताएं मैं भी देखूंगा कौन है प्रवीण तांबे कौन है प्रवीण तांबे हाँ तो बेसिकली तो फिर भी इस बात को मैं बीच में रखता हूँ तो लोग जानना चाहते हैं कि कौन है बने पुष्कर राज ठाकुर नहीं नहीं पुष्कर राज देखो <laughs> बहुत मतलब एक डिफरेंट जोन की बात हो गई मैं उसके बारे में बात करूंगा बट hmm. मैं पहले किसी और की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब आपने मुझे अभी इस क्वेश्चन में में एक सवाल चीज़ बोली कि 40-45 की एज में जाके लोग कहते हैं कि हमारे लिए नहीं है मैं डिजर्व नहीं करता hmm. तो ये मूवी एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर है जो रणजी में जाना चाहता था और वो रणजी में जाने के लिए उन्होंने कुछ भी करने के लिए सोचा कि रात में अगर उन्हें नाइट क्लब के अंदर वेटर की नौकरी भी करनी पड़ेगी वो क्यों करेंगे क्योंकि दिन में क्रिकेट खेलना है और घर भी चलाना है बीवी भी, भी, भी है बच्चे भी हैं बट मेरे को तो जाना है तो उनका करियर ही फोर्टी के बाद शुरू हुआ और उस मूवी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हिज गोल वॉज क्लियर इफ इट इज लिंक्ड विथ क्रिकेट आई एम इन अदरवाइज आई एम आउट अगर कहीं नौकरी में ज्यादा पैसे भी मिलते हैं मुझे पैसे नहीं चाहिए लक्ष्य केंद्रित है वो हाँ मतलब मेरे को तो क्रिकेट में ही जाना है अब घर कैसे चलेगा चाहे मैं कुछ भी करूँ बट मैं मेरा क्लियर है मुझे रणजी में जाना है तो उसके कोच ने एक बात बोली प्रवीण तो बुरा मत मानियो तेरे ना बहुत कम चांसेस है कि इस उम्र में तू रणजी में जा सकता है अच्छा। तो उसने कहा तो सर ये तो है। 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 <laughs> और कमाल की बात क्या है कि उन्हें रणजी के थ्रू डायरेक्ट उनका वैसे सिलेक्शन नहीं हुआ जी। राहुल द्रविड़ ने उन्हें सेलेक्ट किया फॉर आई एंड आईपीएल के बाद वो रणजी में गए सपना पूरा हुआ सो so, कहने का मतलब क्या है कि आज हो सकता है मुझे यूथ सुन रहा हो बट मैं क्यों मान के कि मुझे यूथ ही सुन रहा है हो सकता है हरेज सारे लोग सुन रहे हैं हरेज रूक का इंसान सुन रहा है है हमारा चैनल चैनल एक बिजनेस तो कई बार जो सीनियर बिजनेस ओनर है वो भी सुन रहे होते हैं एब्सोल्युटली सो so, कहने का मतलब क्या है व्हेन योर गोल इज क्लियर उनको क्लियरली था घर वाले अगेंस्ट है बीवी बोल रही है यार एज हो गई है अधेड़ उम्र में आ गए हो अभी भी नहीं सुधर रहे हो क्रिकेट 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 क्या लगा रखा है घर नहीं चल रहा बट ही वॉज क्लियर मतलब इट इज नॉट जस्ट फॉर क्रिकेट इट्स अबाउट वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ वट यू वॉन्ट इन लाइफ सो आपने तो मुझे स्ट्रगलिंग में देखा ही है और आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से देखता और मैंने आपकी जर्नी को भी देखा है <laughs> तो हम दोनों ने एक दूसरे की जर्नी को देखा है सो so, मुझे आज भी याद है जब मैं अमित जी से पहली बार मिला था तो अभी पंद्रह साल यंग हो गए इन्होंने एज को रिवर्स कर दिया है सो so, ये बड़ा कमाल की चीज़ है अभी एक इंस्परेशन है तो मेरी जर्नी सर बड़ी सिंपल सी रही है डेफिनेटली मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी हैं जो मेरे सामने अपॉर्चुनिटी आती गई मैं उसे करता गया तो so, बहुत ही हम्बल बिगनिंगस थी मेरी तो ऐसा कुछ पिताजी का व्यापार नहीं था इतना बड़ा कि मुझे लगे कि ये मेरे सपने पिताजी के थ्रू पूरे हो पाएंगे उल्टा मुझे लगा जो करना है मुझे ही करना है और अपने परिवार के लिए भी जो करना है वो मुझे ही करना एक है एक मैं आपका वीडियो सुन रहा था शायद जो स्टॉक पर था बड़ी प्यारी सी लाइन आपने बोली थी कि पापा ने कहा था कि बेटा मैं चाहता हूँ तो यूपीएससी करे तो आपने कहा यूपीएससी उन्होंने बोला उन्होंने बोला एग्जैक्ट डायलॉग ये था कि उन्होंने बोला कि बेटा मैं चाहता हूँ तेरे नौकर चाकर हो गाड़ी हो गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती हो तो अब जो जोश मैंने बोल दिया पापा मैंने कभी फरारी पे लाल <laughs> नहीं नहीं। <laughs> तो मतलब मतलब सी इट अबाउट व्हाट यू वांट इन लाइफ सर आपको पता होना चाहिए अगर आपको देश की सेवा करनी, करनी है आपको ऐसा लगता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में ही जाना चाहता हूं डेफिनेटली गो फॉर इट तो इट्स बेटर दैट यू हैव अ क्लैरिटी अर्ली ऐसा hmm. so, कई बार बोलता हूँ जो मुझे स्कूल में बोला गया था और उसके लिए मुझे पनिशमेंट मिल गई थी उल्टा तो टीचर ने सबको खड़ा किया और पूछा क्या बनना चाहते हो किसी ने बोला डॉक्टर किसी ने बोला इंजीनियर किसी ये। ने बोला ये किसी ने बोला वो मैंने अमीर बनना चाहता हूँ और मुझे सुना दिया <laughs> तुम्हें तो कोई क्लैरिटी नहीं है ये क्या आंसर हुआ अमीर बनना चाहते हो क्लैरिटी है भाई डॉक्टर क्यों बनना चाहता है एक सफल डॉक्टर क्या करना चाहता है पैसा कमाना चाहता है

उनकी हायर एजुकेशन चल रही है कोई में पढ़ रहा है बट अच्छा कर रहे हैं सर, मैं आई विश ऑल द द वेरी बेस्ट टू बट थिंग इज अगेन आप सोचो क्या उन लोगों को क्लैरिटी थी कई सारे लोगों ने जब आंसर दिया था मुझे आज भी याद है किसने क्या आंसर दिया था सब कुछ अलग अलग कर रहे हैं और मैक्सिमम सब ताँग कुछ अलग अलग कर रहे हैं जो हम सोच रहे होते हैं वो बन नहीं पाते हैं नहीं वो कर ही नहीं रहे वो चीज किसी ने बोला मुझे डॉक्टर बन वो डेंटिस्ट बन गया क्योंकि वो एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसने कहा यही सही बिल्कुल ऐसे ही होता है सर अगर आप आपके लिए कोई रिश्ता आया अब वैसी लड़की तो मिल नहीं रही जो देखी थी कैटरीना कैफ तो ये सही <laughs> तो ये याद शादी तो करनी है सो मतलब इट्स वेरी क्लियर वट यू वॉन्ट सो ये था कि भाई जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी चाहे काम छोटा हो बड़ा हो आई विल गो फॉर इट बिकॉज मेरे दादाजी ने मैं ये कई बार एग्जाम्पल देता हूँ एक मेरे कजन दादाजी हैं मेरे रियल दादाजी तो बहुत जल्दी हमें छोड़ के चले गए थे बट एक कजन दादाजी ने मैं गाड़ी सीखी थी ना उन्होंने एक चीज सिखाई थी कि विंटर्स के टाइम में कि बेटा जब गाड़ी चलाएगा ना तो एक चीज ध्यान रखियो जहां तक का रास्ता दिख रहा है ना सिर्फ वहीं तक ही जाना है मतलब गाड़ी उतनी स्पीड में होनी चाहिए आपको नहीं दिख रहा मत चलाओ जितना दिख रहा है आपको दस मीटर का दिख रहा है फॉग फॉग का टाइम में में दिल्ली होता है तो डेली में फॉग होता है मीटर मीटर दिख रहा है दस मीटर तक जाओ फिर आगे का दिखेगा तो ये चीज मुझे लाइफ के लिए इतनी प्रैक्टिकल लगी कि यार आपको दिख क्या रहा है मैंने स्टार्ट किया ट्यूशन पढ़ाने से मुझे वही दिख रहा था तो मैंने वो किया फिर कुछ और देखा फिर वो किया फिर कुछ और देखा फिर वो किया तो लाइफ में जो दिखता गया वो करते चले गए और जहां से जो सीखते चले गए Uh, मुझे किसी ने बोला भाई तू बोलता अच्छा है तो सिखाना शुरू किया और लोगों को पसंद आना शुरू हुआ तो जो मेरे एक्सपीरियंसेज़ हैं उसमें भी आपने बहुत सक्सेस हासिल की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब आप आए एब्सोल्युटली तो वो अपने आप में एक डिफरेंट था कि भाई उस प्लेटफॉर्म में जहाँ एक नॉर्मल और मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं उनके बीच में अपने आप को रिप्रेजेंट करना बेहतर तरीके से बोलना और बोलने के बाद उनके बीच में एक लीडर बनकर आगे बढ़ जाना सर देखिए जो आपको काम मिलता है ना मैं कहता हूँ चाहे एक इंसान को जूते पॉलिश करने का काम मिले उसे ना बेस्ट करना चाहिए अपना एक आदमी का एग्जाम्पल है ये एक स्टोरी सुनी थी मैंने कि एक आदमी ना सुबह सुबह बड़ी मेहनत से ना झाड़ू लगा रहा था सड़क पे तो किसी ने आके बोला तू पागल है इतनी मेहनत क्यों कर रहा है जल्दी जल्दी काम कर चल कह रहा भाई ये मेरा काम है ऊपर वाला मुझे देख रहा है अगर आज इस देश का राष्ट्रपति भी जाए ना तो वो इस सड़क से जाते हुए बोले यार ये सड़क किसने साफ करी है ऐसा बोलेगा नहीं हो सकता कोई बट उसके मन में भाव है कि जो मैं काम करूँ वो बेस्ट करूँ सबसे बेस्ट करूँ हाँ तो आप अपना बेस्ट करो देखो परफेक्शन इज परफेक्शन इज अट यू वॉन्ट इज कि आप प्रोग्रेस करो प्रोग्रेस इज रियालिटी आप एक स्टेज पर हो आप परफेक्ट नहीं हो सकते सर आज ज्यादातर मुझे आज मिडिल क्लास के लोग सुन रहे होंगे आज आप पहले दिन सोचोगे यार मैं बिल्कुल ऐसी लाइफ जीना चाहता हूं यही परफेक्ट लाइफ है यही होगा ऐसा नहीं होगा बट प्रोग्रेस आपके हाथ में आप जहां हो वहां से एक स्टेप भी आगे बढ़ोगे ना फिर एक स्टेप आगे बढ़ोगे फिर एक स्टेप आगे बढ़ोगे बढ़ोगे जिंदगी में जो अपॉर्चुनिटी मिलती चली जाएगी उसको करते चले उसको चले।, चले जाओ करो और अपना बेस्ट देते तो जब मैंने यूट्यूब करे आज भगवान की दया से और लोगों के प्यार की वजह से हमारा दस मिलियन लोगों का परिवार हो गया भाई एक करोड़ लोग बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि इंडिया में हमारे पास ये एडवांटेज है ये हमारे पास एडवांटेज है कि हमारे पास लोग हैं और लोग आगे बढ़ना चाहते हैं लोग सीखना चाहते हैं तो एक जिग जिगलर की बात मुझे आज भी याद है जो मैंने आज से कई साल पहले सीखी थी that if you help enough people to get what they want, you will get what you want. Yes. So आज लोगों को अगर मुझसे कुछ चाहिए और मैं दे सकता हूँ लोगों को सीखना है और मेरे अंदर ये काबलियत है कि मैं सिखा सकता हूँ तो सिखाओ अगर ज्यादा लोगों की हेल्प होगी तो यार तुम्हें मिल जाएगा पैसा शोरत, नाम ये सब ना बाय प्रोडक्ट है वो कई जगह एक बाइबल गेन फिलोसफी जितना ज्यादा आप समाज को दोगे उससे कई गुना मल्टीप्लाई होकर आपके पास आएगा सर सो so, uh, मेरी अभी तक की जर्नी जो है बिकॉज सक्सेस इज अ जर्नी इट इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन तो डेफिनेटली कि लाइफ में काफ़ी कुछ बदलाव आए हैं लाइफ बेहतर हुई है पहले से और मुझे ऐसा लगता है आने वाले सालों में और लोगों की लाइफ हमारे थ्रू बेहतर होगी ये हमारा प्रयास है ठीक तो प्रति नेगेटिव है ना तो पहले वो नेगेटिविटी आप अपने अंदर लेकर आ रहे हो आप समझ रहे हो तो आप ये नेगेटिव हो गए आपको ये भी चलो एक स्टेप है कि आपको ना बहुत अपना ना एक 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 सर्कल है जो इनविजिबल है बट आपको ना नेगेटिविटी से दूर रहना है सबसे पहले नेगेटिविटी न्यूज़ मैं अपनी कल वाइफ से बात कर रहा था इतने इतना पागल बनाती है मीडिया इतना इन्फ्लुएंस रहती इतना है लगातार पागल बनाती है ये चीज की भाई तो हुआ क्या मैं अपनी बेटी को लेके गया लंदन घुमाने लेके गए थे तो वहाँ पे एक जगह थी जहाँ पे ना एक बीच में उन्होंने एक हॉरर का स्टूडियो बना रखा था तो थोड़ा भूतिया इफेक्ट दे रखे हैं तो मेरी बेटी बहुत डर गई रोने लगी तो मुझे ना अपना बचपन याद आ गया

इंडिया मतलब मैं इंडिया की बात कर रहा हूं इंडिया मजाक कर रहे हो यार किसने राइट दिया आपको मजाक करने का ये भुत भुत दिखा। मैं आपको था, दादी के पास था टीवी देख रहा था उसने बोला कि यार चुड़ाया मैं तो बच्चा था तब चुड़ाया हनुमान चालीसा पढ़कर स्वयं दादी के पास मैं खुद डर गया तो मेरे को अपनी बच्ची याद आ गई क्या जिस बच्ची के बच्ची को भूत लग रहा था ध्यान आया तो मीडिया है मीडिया ने मेरे साथ भी खेला था मेरे साथ खेला था खेला बिल्कुल जी मैं सोया डर के तो आपने किसी की एक नींद हराम कर दी आज आप एक अच्छी नींद के लिए ताज होटल में पचास हजार रुपए देते हो बिल्कुल सर आप देते हो लोग देते हैं आज उसकी नींद हराम हो जाए तो सुना देगा ताज वाले को भाई क्यों हो गई शोर आगे अगर आ गया और उसमें नींद खराब हो गई तो मेरी तो नींद खराब कर दी उन करोड़ों लोगों की नींद खराब कर दी बनाओ बिल इनका कहने का मतलब क्या है अभी कई बार होता है युवा साथी जो होते हैं ना उनको हमेशा चमक धमक दिखाई देती है कि यार आई फोन फिफ्टीन ले लिया इसने फोर्टीन ले लिया इसने ये गाड़ी ले ली इसने ये ख़रीद लिया ये यहाँ घूमने गया हुआ है अब वो क्या करता है कि पूरी मेहनत से अपनी सेविंग्स को इकट्ठा करता है मैं एक करंट एग्जांपल बताता हूँ मेरा एक एम्प्लॉय मेरे पास आया उसने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि सर मेरे पास ना चालीस हज़ार रुपये इकट्ठे हो गए हैं मैं सोच रहा हूँ आई ले लूँ मैंने कहा यार एक क्या मतलब पर्पस क्या है क्यों लेना चाहता है कि सर आई फोन मुझे अच्छा लगेगा मैं कितनी देर तक अच्छा लगेगा कर जब तक मेरे साथ रहेगा अच्छा लगेगा मैंने कहा नहीं जब उसका नशा उतर जाएगा ना और वो जो पंद्रह हज़ार बीस हज़ार ई एम आई में पे करना है जब तुम डिसाइड करोगे कि मेरी कब सैलरी आएगी तो मेरी ई एम आई जाएगी कब लेना चाहिए कौन सी चीज़ किस व्यक्ति के लिए किस समय पर कब बनी है उसको ये कैसे पता चले ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि युवा साथी कई बार भ्रमित हो जाते हैं जैसी सैलरी आई तो लोन पर उन्होंने बाइक ले ली और अच्छी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ आगे बढ़े तो लोन पर कार ले ली और कुछ हुआ तो इधर उधर करके पैसे इकट्ठे करके मोबाइल फ़ोन ले लिया तो उनको आप कैसे गाइड करना चाहेंगे कि अपनी फाइनेंशियल पावर को कैसे क्योंकि आप फाइनेंस पर बहुत अच्छे वीडियोज़ बनाते हैं इन्वेस्टिंग पर शेयर मार्केट पर और लोगों के माइंडसेट को भी रिफॉर्म करते हैं कि भाई एक्चुअल में ना मनी मेकिंग इज़ अ गेम एंड यू हैव टू प्ले इन द राइट डायरेक्शन अदरवाइज़ कभी पैसा नहीं बनेगा तो कैसे उसको अपनी लाइफ का डिसीजन लेना चाहिए कि कैसे वो स्टेप्स पे कब कब वो चीज़ों को खरीद सकता है और कब खरीदना चाहिए उसे देखो मेरे को तो ऐसा लगता है कि कई सारे लोगों को पता होता है बट है क्या चीज़ ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि लोग अच्छा दिखना चाहते हैं सोसाइटी हाँ। के अंदर हमारी सोसाइटी भी ऐसी है देखो मैं आपको जनरली बताता हूँ मैं एक महंगी गाड़ी लेके कहीं जाता हूँ तो मेरे को एक अलग रिस्पेक्ट मिलती है ठीक है कोई एक छोटी गाड़ी लेके आता है तो उसे एक अलग रिस्पेक्ट मिलती है मैं अपनी गाड़ी लेके जाता हूँ जो वैले वाला होता है वो होटल के बाहरी गाड़ी लगा देता है बिल्कुल ऑन फ्रंट ऑफ द वहीं पर लगा देता है कोई आएगा उसे कहते हैं वो लेके जाता है तो ये हमारी सोसाइटी है कि सोसाइटी जज करती है मुझे आपका बैंक बैलेंस नहीं पता बिल्कुल आपको मेरा नहीं पता मेरे को आपके एसेट्स नहीं पता आपको मेरे नहीं पता तो दो चीजें होती हैं एक अमीर होना एक अमीर दिखना दिखना ठीक है हमारी सोसाइटी क्योंकि जज करती है ये सोसाइटी की गलती है और सोसाइटी ठीक नहीं हो सकती बिल्कुल आप थे? सिर्फ अपने आप को ठीक कर सकते हैं हाँ आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं बट लोगों की टेंडेंसी क्या है कि मुझे सोसाइटी में ना इज्जत चाहिए एक रिस्पेक्ट चाहिए कि मुझे भी सामने वाला अच्छा समझे और वो लोग ढूंढते हैं मेटेरियल मेटेर हाँ वो मैं कहता हूँ कुछ गलत से ही नहीं होता नथिंग इज़ ब्लैक एंड वाइट इट इज़ अ रियलिटी अगर एक लड़के ने एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर आईफोन लिया हुआ है तो लोग सोचेंगे इसकी जॉब अच्छी होगी ये अच्छे पैसे कमाता होगा ठीक है उसने गाड़ी ली हुई है तो उसे लगता है यार ये तो एक अच्छी स्टेज पर है लाइफ में चाहे उसकी फाइनेंशियली हालत बहुत ही ख़राब हो बट क्योंकि लोग ऐसा जज करते हैं तो लोगों की ये ख्वाहिशें होती हैं कि हम अच्छे दिखें हम अच्छे लगें लोगों को लगे यार मैं अच्छा हूँ सो so, जितनी भी लग्जरी चीज़ें हैं ना ये लोगों के साथ ऐसे ही खेल रही हैं है ना जैसे अगर मेरे पास आई फोन फोर्टीन प्रो था तो मुझे एक्चुअल में फिफ्टीन प्रो की कोई ज़रूरत नहीं है ऑलमोस्ट सेम है बट मुझे क्या लगा कि चलो कैमरा थोड़ा सा बेटर है अब पॉइंट क्या है मेरे लिए और किसी आम आदमी के लिए फ़र्क आ जाएगा एक टाइम पे वो था कि मैं ना पैसे बचाता था कि पैदल चल लेते हैं और पैसे बच जाएंगे। hmm. पैदल चल लेते हैं वॉक भी हो जाए, बट वॉक तो एक सेकेंडरी पैसे बच जाएंगे। hmm. तो एक पैसे बचाए भी हैं जब नहीं होता था hmm. अब इसका सोल्यूशन क्या है सर 90% परसेंट फाइनेंस एजुकेटर्स ओनली टॉक अबाउट मनी मैनेजमेंट एंड मनी सेविंग कि पैसे बचा लो अमीर होना और अमीर दिखना अलग अलग चीजें हैं और खर्चा नहीं करना लग्जरी शॉपिंग मिथ है ये है वो है एंड दे आर परफेक्ट सब सही सही बोल रहे हैं बट दस परसेंट लोग ही सर्विस के ऊपर बात कर रहे हैं कि भाई पैसे बचा के कभी अमीर नहीं बनेगा पैसे कमा के अमीर बनेगा बिल्कुल और पैसे से पैसा बना के अमीर बनेगा पैसे से बना बना के अमीर बनेगा टाइम आएगा क्योंकि देखो आज आपको ना अपनी लिमिटेशन पता है उसको पता है कि यार मेरे पास चालीस हजार जुड़ गए थोड़ी ईम आई करा लूंगा मैं फोन खरीद सकता हूँ hmm. बिल्कुल ऐसे ही होगा जब वो गाड़ी खरीदेगा और बिल्कुल ऐसे ही होगा जब जब घर खरीदेगा hmm. और वो ई आई ई एम आई में जिंदगी निकल जाएगी बट उसे ये कौन बताएगा इस डायरेक्शन में सोच के तेरी सैलरी डबल हो जाए आप ये सोचो ना कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यू कैन अर्न डबल ट्रिपल हाउ कैन यू डू इट सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैंने बोल दिया हाउ कैन आई डू इट बिकॉज जब आपने आई खरीदना था ना

वो तो डेस्टिनी भी हो सकती है वो जिसके बारे में आपको नहीं पता उसे डेस्टिनी कह लोक तो कहने का मतलब क्या है कि मोस्ट पीपल गिव अप इन लाइफ अब इम्पोर्टेंट क्या है आज ये लोगों को समझना पड़ेगा कि देखिए भाई पैसा कमाएगा पैसा बचेगा नहीं मिडिल क्लास फैमिलीज में ना हाथ में पैसा नहीं रुकेगा क्योंकि रुकेगा ही नहीं यार आज आप पंद्रह हज़ार कमा रहे हो पचास हजार कमा रहे हो पाँच लाख कमा लो तब भी नहीं रुकेगा पाँच लाख क्लास पाँच लाख कमाने वाला भी मिडिल क्लास है पता है क्यों क्योंकि वो ना चार लाख नब्बे हजार खर्च कर रहा है और वो अमीर उस दिन हो जाएगा जिसको पचास हजार में खर्च लाएगा समझ रहे मेरी बात थीख को? थीख बात है। वो अमीर नहीं हो पाएगा वो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि वो जो लाख कमाएगा ना तो बड़े कर ले लेता हूँ बड़ी गाड़ी हिसाब तो तो सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट को सिर्फ सिर्फ डिजिटी तो चेंज हो गई मेंटिलिटी तो वही है जो पंद्रह हजार की कर रहा था छोटी छोटी ई एम अब वो पांच लाख में बड़ी बड़ी ई एम कर रहा है कई लोग मेरे को बोलते हैं अमीर होने की डेफिनेशन क्या है हु इज रिच मैं कहता हूँ जो दस परसेंट में सर्वाइव कर रहा है अब आप कहोगे

आप पंद्रह हज़ार क्यों कमाते हो क्योंकि आप पंद्रह हज़ार डिजर्व करते हो बुरा मत मानना वो एक बहुत बहुत अच्छी स्टेटमेंट थी छोटी सी बात बीच में बोल रहा हूँ एक व्यक्ति ने गुरु के पास गया कहता गुरु जी मेरा हाथ देख के बताओ मेरी किस्मत कैसी है गुरु ने हाथ देखा खरा किस्मत तेरी बहुत अच्छी है अगर किस्मत मेरी बहुत अच्छी है तो मैं बहुत आगे क्यों नहीं हूँ अगर मेरी किस्मत अच्छी है तो मैं यहाँ होता वैसे गुरु जी सच बताऊँ पिछले पंद्रह साल से मैं काम कर रहा हूँ जिस हिसाब से मैंने काम किया ना मुझे यहाँ होना चाहिए था तो गुरु ने जो तो बात कही ना वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी उन्होंने कहा बेटा देख तेरी किस्मत में जो लिखा है वो ना वो तुझे पता है ना मुझे पता है लेकिन तुझे जहाँ होना चाहिए था तू एग्जैक्ट वहीं पर है ना एक इंच आगे ना एक इंच पीछे राइट right. क्योंकि तू इतना ही डिजर्व करता है राइट right. अगर तेरे अंदर कैपेबिलिटी से ज्यादा होती तो तू इससे आगे होता और ये सब में था कि मैं वहाँ होता मैं वहाँ होता हो सकता है इससे भी सौ गुना पीछे होता तो इसीलिए

आज अगर आपको पंद्रह हज़ार वाला काम करना आता है आपको उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे बिल्कुल और किसी हार्ट सर्जन को एक ऐसी ओपन हार्ट सर्जरी करना आता है उसे पंद्रह लाख भी कम है बिल्कुल वो बीस मिनट की सर्जरी के ज्यादा पैसे ले लेगा कहने का मतलब क्या है स्किल ये होता है फर्स्ट स्टेप अब मैं इसके ऊपर बात तो बहुत देर कर सकता हूँ बट पॉइंट फिर क्या आता है कि अगर उसी ओपन हार्ट सर्जरी वाले के पास दस हज़ार क्लाइंट पहुँच गए कि क्ल यार आप बेस्ट सर्जन हो आप हमारा कर दो तो उसके पैसे तो बढ़ सकते हैं नंबर ऑफ आर्ट्स नहीं बढ़ सकते नंबर ऑफ पेशेंट्स भी लिमिटेड ही रहेंगे तो इसीलिए क्या करते हैं जो लोग बहुत अच्छे होते हैं ना उनके चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं हम कहते हैं वो एडवोकेट है फलाना वो इतने पैसे लेता है एक हेयरिंग के इतने पैसे लेता है वो वो डॉक्टर है यार वो एक बार कंसल्टेंसी करने के मतलब वो दस हजार बीस हजार रुपये ले लेता है तो ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी स्किल बहुत ज्यादा है बट शायद मेदांता ग्रुप का जो मालिक है वो बहुत ज्यादा कमा रहा है क्योंकि उसने हॉस्पिटल ही बना दिया और फिर हॉस्पिटल का भी आईपीओ ले आया तो कहने का मतलब क्या है

दस परसेंट में सर्वाइव कर रहे हो बिल्कुल उससे पहले आप लग्जरी डिजर्व नहीं करते और इतना काम करो कि वो नेसेसिटी बन जाए कुछ भी कह सकते हैं आप इसके <laughs> आगे बट पॉइंट ये है कि अगर आप एक इंसान बोलेगा भाई मैं पाँच लाख कमा रहा हूँ तो पाँच लाख फिर टैक्स भी आ जाता है ठीक है तो अब टैक्स एक बहुत बड़ी चीज़ है इंडिया के अंदर तो समझनी बहुत जरूरी है आप लोगों को भी बट आज मिडिल क्लास को नहीं समझ आएगी क्योंकि उनका कोई टैक्स का लेना देना नहीं होता उनको लगता है जो हमने कमाया वो हमारा है ना आप और हम ये नहीं समझ सकते

जो आदमी पंद्रह हज़ार पर है बीस हज़ार पर है वो आई फोन अफोर्ड नहीं कर सकता नहीं कर सकते आप तो आज आप सस्ते फ़ोन से काम चलाओ सर आज ये मेरे लिए एक मनी मेकिंग मशीन है क्योंकि इसमें वीडियो बनती हैं इसमें फ़ोटोज़ आती हैं ये मेरे लिए एक बिजनेस के लिए यूज़ हो रहा है मेरे लिए बिज़नेस का टूल है। टूल है ठीक है बट कई लोगों के लिए शायद ये टूल भी महंगा हो सकता है पॉइंट यहाँ पर ये है एक सिंपल सा रूल दे रहा हूँ लोगों को याद रखना है अगर आप किसी चीज़ को सिर्फ एक घर को छोड़ देना घर की बात नहीं करे घर आप ई एम आई पर लो वो जरूरी है ठीक है गवर्नमेंट भी उसमें आपकी सपोर्ट करेगी टैक्स का भी बेनिफिट मिलेगा आपको इंटरेस्ट पे एक घर को आप छोड़ दीजिए अगर आप किसी चीज़ को तीन बार नहीं खरीद सकते आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते कैश में दो अगर दो आप कैश में जाके तीन तीन आईफोन एक बार में नहीं खरीद सकते आप उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते और जिस चीज़ के खर्चे के लिए आप सोच रहे हो शायद आप उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते यार आज आप लग्जरी कपड़े पहनते हो सर ठीक है मैं कहता हूँ अगर आप लग्जरी कपड़े पहनते हो लग्जरी घड़ी पहनते हो तो आज आप लग्जरी के बारे में खरीदते हुए अगर बहुत ज़्यादा सोच रहे होते तो, फिर तो आप उसे अफोर्ड नहीं, नहीं, नहीं कर सकते थे बट अगर आप सोच ही नहीं रहे आपके लिए नॉर्मल हो गया ना तो लेवल ऑफ लाइफ होती है एक लेवल पे ना आप जब मेरी वाइफ ने मेरे को एक बार बताया जब मैं कॉलेज में था कि मेरे भाई ने पचास की शर्ट खरीदी मेरा बेवकूफ़ है तो पचास की शर्ट आती है पता ही नहीं होगा तुझे क्योंकि मुझे नहीं पता था मुझे नहीं पता था पचास हजार की शर्ट जो पहनेगा उसकी कमाई भी तो करोड़ों में होगी ठीक बात है ये भी तो सोचो तो कहने का मतलब क्या है अगर आज आप लग्जरी की बात करते हो लग्जरी <coughs> को अगर आप इनफैक्ट इट इज अ कार इफ यू यूट बाईट इट थ्राइस यू यू अफोर्ड अफोर्ड इट इट अगर आप तीन बार नहीं खरीद सकते तो मिडिल क्लास तो लोग यहाँ पे ना मेरी से कर जाएंगे वो कहेंगे करेंगे एक डेढ़ लाख की सैलरी है होंडा से अफोर्ड नहीं कर सकता ई बढ़िया से जा रही है पेट्रोल भी भराना सब कुछ मैं कहता हूँ उसमें ना फर्क होता है इफ होंडा सिटी इज अ लग्जरी फॉर यू यू कैन नॉट अफोर्ड इट बट इफ इट इज अ असैसिटी ऑफिस जाना गाड़ी चाहिए तो होंडा सिटी से नीचे वाली भी ली जा सकती बिल्कुल, बात। है वो नीचे वो नेसेसिटी थी अरे यार पंद्रह मोटरसाइकिल चाहिए वो नेसेसिटी है।, है।, है बट अगर स्पोर्ट्स वाली चाहिए वो लग्जरी है।, है वो लग्जरी है हाँ। तो नेसेसिटी तो चाहिए ना घर से निकलना है गाड़ी चाहिए एक मोड ऑफ ट्रैवल चाहिए वो समझ आता है हमें कपड़ा चाहिए जूते फट गए जूते चाहिए वो समझ आता है वही कहते हैं ना कि चीज़ें महंगी और सस्ती नहीं होती आपकी खरीदने की औकात छोटी और बड़ी होती है और औकात को बढ़ाना ना हमने इसीलिए तो इतनी देर तक वीडियो देख रहे हैं <laughs> मतलब मेरा फोकस ये है कि यार जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना देखो आई एम नॉट परफेक्ट मैं और मैं सभी कुछ नहीं हूँ कि मैं कहूँगा कि भाई बहुत सारे लोग मेरे से बहुत आगे हैं जिंदगी में <laughs> पैसे में हर चीज में बहुत आगे तो होगा लाइफ में हर मतलब जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपसे आगे बहुत सारे लोग खड़े मिलेंगे आपको बस ये है कि मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ अगर मुझे किसी चीज़ से फायदा हुआ मेरी कोई आइडियोलॉजी है मेरा कोई माइंड सेट है जिन चीज़ों को मैं देखता हूँ जिससे मुझे हेल्प हुई मैं बता देता हूँ लोगों को आपको मेरी बात अच्छी लगती है आप कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करो आपको नहीं लगती है, आप जाने दो बट कुछ ना कुछ तो अच्छा लगेगा कुछ ना कुछ समझ आएगा जिससे किसी ना किसी की लाइफ में इंपैक्ट होगा और उसी हम ये वीडियो बना रहे हैं अदरवाइज़ मेरा कोई मोटिव नहीं है तो सर पाँच स्टेप्स आप और बताएं ताकि एक व्यक्ति इन पांच स्टेप को फॉलो करें अपनी फाइनेंस फाइनेंस क्योंकि देखो के ऊपर आप बहुत अच्छा बोलते हैं और आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मैं खाली बोलते हैं आपने उस चीज़ को रियल लाइफ में अनुभव किया है आपने उसके रिजल्ट को अचीव किया है और जब कोई व्यक्ति किसी चीज को अचीव करके बोलता है ना तो सामने वाले व्यक्ति को पावरफुल इंपैक्ट है राइट जैसे अगर आज मैं सिक्स पैक के बारे में बोलने वाला था समझ में आएगा मैं अगर आज से पांच साल पहले कहता सिक्स पैक अब ऐसे बनाए जाएंगे

वो कोई लगे मेजोरिटी प्रॉब्लम क्या है ना इंडिया के अंदर हम रहते हैं जॉइंट फैमिली में ठीक हाँ। है तो एक इंसान कमा रहा होता है और प्रॉब्लम क्या है कि वही कमा रहा होता है और उसके पास ना पांच लोग होते हैं जो उसके पे डिपेंडेंट होते हैं माँ बाप काम नहीं कर रहे भाई बहन छोटे हैं काम नहीं कर रहे एक लड़की है उसकी जॉब लग गई वही वही घर चला रही है या एक लड़का ही घर चला रहा है सो ऐसा बहुत परिवारों में होता है तो किसी को लगता है मेरी पचास हज़ार की सैलरी मेरी पचास हज़ार नहीं आपकी पचास हज़ार की नहीं आपकी दस हज़ार की सैलरी है

कि सर पच्चीस हज़ार पे या पच्चीस हज़ार या बीस हज़ार में कमाता हूँ मेरा काम पंद्रह में है पाँच का मैं क्या करूँ मोबाइल ख़रीद के ई एम आई भरूँ या सही तरीके से इन्वेस्टिंग करके पैसे से पैसा बनाऊँ वो वो उसके ऊपर हम आते हैं हाँ। तो पहला पॉइंट तो यही है सबसे इम्पोर्टेंट कि यार कम इनकम है तो इनकम बढ़ाने के ऊपर सोचो ठीक है घर ही चलेगा और वो भी बड़ी मुश्किल से चलेगा अगर आज आप अकेले कमा रहे हो आपको लग रहा है यार पंद्रह बीस तीस हजार में या पंद्रह पच्चीस हज़ार में पांच हज़ार बचा अगर उस लड़के की शादी होगी शादी नहीं हुई होगी शादी हो गई तो शादी तो खत्म तो है है चाहिए चाहिए उसे उसके ऊपर और ये लोग सोचते नहीं है और फिर बच्चा हो गया तो उसके भी चाहिए तो ऐसा नहीं, तो नहीं है कि ऊपर वाला पाल देगा ऐसा नहीं है ठीक है अगर आपके बच्चे हैं तो आपको पालने उनको अच्छी एजुकेशन देनी है अच्छी लाइफ देनी है एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अलॉट ऑफ थिंग्स तो मैं इसके ऊपर आने वाला हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आज आप लिमिटेड पैसा कमाते हैं और आप लग्जरी खरीदना चाहते हैं तो पॉइंट नंबर वन फाइनेंशियल मिस्टेक है ये इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड एनीथिंग थ्राइस यू कैन नॉट अफोर्ड इट इफ़ इट इज़ अ लग्जरी थिंग नेसेसिटी के बारे में सोचेंगे उसे ई एम आई पर लिया जा सकता है नेसेसिटी को जैसे नेसेसिटी आपका घर हो सकता है कई सारे मतलब फाइनेंस के अंदर लोग हैं जो बात करते हैं कि घर अवॉइड करना चाहिए बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए आप अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स को अवॉइड कर दो बट घर घर क्या होता है इंडिया के अंदर घर होता है जमीन से जुड़ा हुआ मेरे पिताजी थोड़े ऑर्थोडॉक्स है बट वो बोलते हैं जमीन भी अपनी आकाश भी अपना और पताल भी अपना हाँ। उसे घर बोलते हैं बिल्कुल मेरे पिताजी उसे घर बोलते हैं ना तो वो इन्हें बोलते हैं माचिस के डब्बे जो बने हुए हैं इन्हें बोलते हैं माचिस के डब्बे हैं <laughs> तो मेरे पिताजी ऐसे हैं मतलब वो गलत नहीं है क्योंकि कोई कहेगा यार हम तो जिस माचिस के डिब्बे में आप बोल रहे हैं वो तो बीस करोड़ का है है ना दिल्ली बॉम्बे गुड़गांव में ऐसे ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जो बीस पचास पचास करोड़ के हैं तो कहने का मतलब क्या है कि ठीक है मैं समझ रहा हूँ भाई बट वो लग्जरी है मैंने उसकी बात नहीं करी मैंने नेसेसिटी की बात कर रहा हूँ आज अगर आपके पास घर नहीं है ले लो अगर आपकी जॉब ऐसी है जो फिक्स जगह पर है और आपको पता यहीं रहेगी अगर आपकी जॉब ऐसी है कि आज मुंबई या कल बैंगलोर है पता ही नहीं कंपनी कहाँ उठाकर ट्रांसफर कर देगी वो एक अलग बात है फिर वो एक कंसर्न अलग है बट आपको पता है मेरी जॉब यहाँ पर है मेरा बिज़नेस यहाँ पर है तो क्यों लो आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ ये एक कप है मेरे साथ में ठीक है जी सर इस कप को भरने में तीस दिन लगेंगे फुल होने में तो इसे आधा भरने में कितना टाइम लगेगा मान लीजिए हर दिन डबल हो रहा था ये क्वेश्चन में रह गया था सो हर दिन इसका पानी डबल हो रहा है इतना सा मैंने एक बूंद डाली फिर दो बूंद हो गई फिर चार हो गई फिर आठ हो गई फिर दस हो गई सॉरी का सोलह हो गई इस तरीके से बत्तीस हो गई चौंसठ हो गई वो बढ़ती जा रही है तो ये पूरा भरने में तीस दिन लगेंगे तो ये आधा कब होगा तो मैं इसका आंसर देता हूँ लोगों को सिर्फ एक दिन पहले उनतीस सिर्फ एक दिन पहले तो इंडिया की पॉपुलेशन भी ऐसी है अभी हम मान लो अभी हम मान लो बीस परसेंट पे है आज इंडिया इतना बड़ा है मैं कहता हूँ हमारे पास ठीक है अभी भी लैंड है बट ये बीस परसेंट पे है और हर आदमी बच्चे करेगा एक की जगह दो करेगा रेशो तो ठीक है, है सरकार भी मैं कहता हूँ अगर ये पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो ये बीस का चालीस होगा चालीस का अस्सी होगा या मान लो अगर हम पचास की भी बात करें तो एक टाइम आएगा जगह नहीं होगी आप लैंड नहीं प्रोड्यूस कर सकते लैंड ऊपर वाले ने जो कर दी कर दी hmm. या तो समुद्र जगह छोड़ दे वो होने नहीं वाला ठीक hmm. है तो कहने का मतलब है लैंड लिमिटेड है सर मैं लैंड को बहुत बड़ी चीज समझता हूँ मैं स्टॉक्स के ऊपर बात करता हूँ मैं ई के ऊपर बात करता हूँ मैं म्यूचुअल फंड के ऊपर बात करता हूँ बट मेरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट लैंड में है एंड लैंड हैज मेड मी दिस मच मनी कि मैं अपने पूरी जिंदगी सिर्फ उसी जो मेरे कैपिटल गेन्स हैं उसी से जी सकता हूँ जो लैंड है ना लैंड ये सिर्फ अमीर लोगों को समझ आता है लैंड की वैल्यू लैंड कहीं पर भी लैंड अब आपको हो गया यार मेट्रोपोलिटन सिटीज में लैंड नहीं मिलेगी अरे ढूंढने से भगवान भी मिलता है यार सब कुछ मिलता है, सब कुछ कुछ मिलता मिलता है है और हर रेट्स पर मिलता है जस्ट जस्टिफाइड जस्टिफाइड तो तो का मतलब है। क्या है कि आज अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो ना आज आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो जोड़ो पैसा बट इतना पैसा बनाओ कि यार घर खरीद सको बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है हमारे दादा परदादा हमें सिखा के गए हैं मैंने अपनी दादी को बताया कि मैंने गाड़ी ली गाड़ी 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 गाड़ी। ना, मैंने गा एक प्रॉपर्टी ली है बढ़िया बढ़िया शाबाश बेटा प्रॉपर्टी बनाओ तो उन्हें इतना फाइनेंस समझ आता है और ये पढ़े लिखे लोग नहीं समझ पा रहे उन्हें ये फाइनेंस समझ आता है कि बेटा उन्होंने बोला बेटा जमीन कभी नुकसान नहीं देगी मेरी दादी ने मुझे बोला बेटा जमीन कभी नुकसान नहीं देगी अगर खरीद सकते हो तो खरीदो जितनी खरीद सकते हो उतनी तो खरीदो hmm. पैसा जुड़ता जाए जमीन खरीदते जाओ तो वो सबसे बड़ी फाइनेंस एडवाइस दे गई क्योंकि आज भी आप कहीं पर भी देख लो कहाँ hmm. लैंड के रेट कहाँ नहीं पड़ते बिल्कुल हर जगह जंगल में भी जंगल में भी बड़े मतलब है उसको समझना पड़ेगा लैंड के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैं इसके अंदर एक प्रिंसिपल होता है रियल स्टेट के लिए क्योंकि मैं बता सकता हूँ आज की डेट में बिकॉज दैट हैज मेड मी अ फॉर्च्यून सो रियल स्टेट में थ्री एल होते हैं इंपॉर्टेंट पहला एल होता है लोकेशन दूसरा एल होता है लोकेशन और तीसरा एल होता है लोकेशन उसके ऊपर कुछ नहीं है यही बिजनेस पहला होता है कि सर कहाँ खोलू प्राइम लोकेशन और क्या देखना है प्राइम लोकेशन और क्या होना चाहिए प्राइम लोकेशन तो आपने लोकेशन क्या कर प्राइम <laughs> और लगा दिया प्राइम <laughs> लोकेशन <laughs> की प्रॉपर्टी चाहे लंदन हो चाहे मेलबर्न हो चाहे सिडनी हो चाहे न्यू दिल्ली हो चाहे आपका बैंगलो हो चाहे चेन्नई हो कहाँ पैसे नहीं मिलेंगे हर जगह कहाँ पैसे नहीं बढ़ेंगे मैं आज सोच के हैरान होता हूँ कि आज हम जो लैंड मैं लैंड खरीदने का वेस्ट नहीं हूँ मैं मेरे को चाहे लैंड खरीदते दस करोड़ का फ़ायदा हो रहा हो मेरे को लेना ही नहीं मेरे को चाहिए ही नहीं आ, क्योंकि अगर जब तक पैसे की ज़रूरत नहीं है ना खरीद ली से टाइट होल्ड टाइट तो लैंड और अच्छी डेफिनेटली मैं स्टॉक्स के ऊपर आऊँगा क्योंकि वो ईजी होता है तो लोन लेते हैं लोग मैं ई के ऊपर था इसलिए मैंने ये बोला कर खर खरीदो तीसरी चीज़ डेफिनेटली इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट डेफिनेटली इन्वेस्ट मैं इतना डिसिप्लिन इन्वेस्टर हूँ आज की डेट में रूल्स बना रखे हैं सेटअप बना रखे हैं बेसिकली क्या है मैं एक सिंपल सा देता हूँ मैं हर पे इन्वेस्ट करता हूँ पैसा जब मार्केट करती है मैं पैसा लगाता हूँ ग्रेट तो उसके एक पूरा एक सिस्टम है वो इतना डिसिप्लिन हो कि यार उस दिन कहीं से भी पैसा है जो सोच रखा है इतना पैसा इन्वेस्ट करना है वो पैसा इन्वेस्ट होगा उस दिन हर डिप पे hmm. तो म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट अलग है बट इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो अगर आप डिप्स पे खरीदते हो उसके ऊपर हम कभी बाद में समझाएंगे सो बेसिकली अगर निफ्टी आपकी पंद्रह रिटर्न दे रही है तो यू विल अर्न अ लिटिल मोर रिटर्न तो मैं कहता हूँ ई में इन्वेस्टमेंट करो ई होते हैं एक्सचेंज एक्सचेंजेड फंड यस तो ई में इन्वेस्टमेंट्स करो वो बड़े सही है मतलब इट इज इट इज एज गुड एज़ गोल्ड ठीक है वो और इसमें और रियल स्टेट में फायदा क्या है रियल स्टेट की लिक्विडिटी थोड़ी लिमिटेड होती है मतलब अगर आप आज बेचना चाहोगे तो छह महीने बाद बिके वो भी प्राइम लोकेशन पे तो अगर प्राइम पे नहीं है तो उसका साल में भी ना बिके प्रॉपर्टी बट ईटीएफ जैसी चीज़ या अच्छे कंपनी के स्टॉक्स जो है वो इंस्टेंट कैश है बिल्कुल कभी भी आप चाहें सिंगल सो और दूसरी चीज़ क्या की उसके अंदर वो नहीं आप दो सौ का ईटीएफ खरीदो आपकी जो आज के डेट में कैपेबिलिटी है आप उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करो बट डेफिनेटली इन्वेस्ट यार मेरे को कल मेरा बार बार आया तो कहता सर मैं आपकी वीडियो देखता हो मेरा बेटा भी देखता है मेरे बेटे ने बोला जी आपके तो दस मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं मैंने कर, so कहा थैंक यू सो मच सर कह रहा मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा तो मुझे बताओ तो मैं, मेरे से उसके कॉमन क्वेश्चन थे भाई मैं दिन के हजार रुपये इन्वेस्ट कर सकता हूँ मैंने कहा कहाँ कर सकते हो तो उसने बोला क्या करना चाहिए मैंने कहा भाई आप नए हो उसने सीधा पूछा है एस आई पी करनी है मुझे मैंने करो। कहा करो कह रहा किस में करो मैंने कहा आप देख लो आप अपनी थोड़ी सी रिसर्च डेफिनेटली अपनी भी करो पढ़ लो क्योंकि पैसा आपका है बट uh, उसके कुछ कॉमन क्वेश्चन है मैंने कहा इंडेक्स फंड से शुरू कर लो म्यूचुअल uh, फंड में करना है तो ई टी एफ नहीं बताया मैंने उसे बट क्योंकि उसे एकदम से समझ नहीं आता शायद तो उसने एस आई पी पता था उसे तो मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा बता दिया तो उसे सवाल थे कि बीच में मैं निकाल सकता हूँ अगर एमरजेंसी हो गई तो बिल्कुल निकाल सकते हो मैं पाँच सौ रुपये महीने से भी शुरू कर सकते हो तो लोगों को आज के डेट में अवेयरनेस नहीं है बट एक चीज़ है अवेयरनेस बढ़ रही है बहुत ही तेजी से बढ़ रही है आप देखिए ना पिछले तीन सालों में नंबर ऑफ अकाउंट अकाउंट कितने डीमेट्लाई हो तो आज अगर मेरा बार बार भी समझ रहा है कि भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो यार आपको भी समझना चाहिए कि इट इज इंपॉर्टेंट इट इज हाईली इंपॉर्टेंट दैट यू इन्वेस्ट तो तीसरी यही चीज़ हो गई कि इन्वेस्ट करो चाहे छोटा ही से चाहे दो सौ रुपये की आप अपनी एक हैबिटि डालो डालो कई लोग कहते हैं दो सौ रुपये से क्या होगा अबे कुछ नहीं होगा भाई यदि तो आदत पड़ गई ना पहले दिन जिम जाने से क्या होगा बॉडी तो बन जाएगी द द वे वे यू यू डू डू वन थिंग ऑल एक काम जैसा करोगे हर काम वैसा ही करोगे तो आज आपकी एक हैबिट हो गई कि भाई मुझे जिम जाना है अरे जाओ तो सही एक्सरसाइज हो जाएगी अपने आप आप जाओ जाओ उठो तो 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 सही सही। इतना तो हो जाएगा कि कुछ स्टेप्स तो चले होंगे आपने आज आपने दो, दो सौ रूपए इन्वेस्ट करना शुरू किया आदत तो बड़ी किसी दिन दो हजार आएंगे दो हजार इन्वेस्ट करेंगे किसी दिन दो लाख आएंगे दो लाख इन्वेस्ट करेंगे आपके पास दो करोड़ आएंगे आप दो करोड़ इन्वेस्ट करोगे आपको लग रहा की बड़ा है कुछ बड़ा नहीं है भाई आप ई पर लोगे तो छोटी चीज लोगे तो धीरे धीरे बड़ी चीज लेना शुरू कर दोगे देखो मैंने आपको ये बताया कि ई करानी है तो घर की ज़रूरी है अगर ई चाहिए ना एक जिंदगी में मैं कहता हूँ ई होनी चाहिए ई माई बर्डन क्योंकि बर्डन होता है कि यार मैं करूंगा इसे कैसे भी करके पूरा बिल्कुल कर भाई ग्रेट। क्योंकि आज मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ एक हमारे रिश्तेदार हैं उन्होंने घर लिया ई पे तो उनके पास कुछ पैसे थे डाउन पेमेंट कर दी अच्छी डाउन पेमेंट कर दी फिफ्टी परसेंट की डाउन पेमेंट कर दी फिफ्टी परसेंट का उन्होंने लोन करा लिया उनकी दो लाख रुपए के आसपास की शुरू हो गई ई ठीक है उन्होंने पंद्रह साल का लोन कराया दो साल में उतार दिया आ गए पैसे कहीं से नहीं भी आते आपको कोई दो लाख तो बहुत ज़्यादा है सर घर के पैसे ढाई गुना हो गए ढाई गुना हो गए मैं लोगों से क्या मतलब होता है कैपिटल गेन का भाई अगर चार करोड़ की चीज़ दस करोड़ की हो गई तो ढाई गुना हो गए पैसे बिल्कुल उन्होंने चार करोड़ की चीज़ ली एग्जाम्पल के लिए उस पर फिफ्टी परसेंट का दो करोड़ का लोन लिया दो करोड़ दिए ठीक है घर अपार्टमेंट्स नहीं अपार्टमेंट तो गाड़ी की तरह डेप्रीशियेट है, होते हैं डेप्रिश हो जाते हैं बिल्कुल ठीक है Number मैं कहता मैगर अपार्टमेंट इतने प्रोड्यूस हो रहे हैं आप गुड़गांव चले जाएँ फरीदाबाद चले जाएँ नोएडा चले जाएं, जाएं, जाएं। लगातार बिल्डिंग बनती आ, जा रही है प्लान में इन्वेस्ट करो भाई चार करोड़ की चीज़ थी दस की हो गई देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने लोन भी दे दिया आज अगर वो बेचते हैं ठीक है उनके पास से दो करोड़ थे याद करना ठीक है बैंक से दो करोड़ लिया ठीक है आए दस बैंक के दो करोड़ वापस दे दिया कुछ ब्याज दे दिया इंटरेस्ट दे दिया दस आ गए ठीक है दो दो गए कितने कितने सर आठ आठ. आठ में से दो अपने थे कैपिटल गेन टैक्स भी दे दिया पूरा पैसा आ गया यार जिंदगी में कमाया जाएगा क्या छह करोड़ रुपया बिल्कुल छोड़ो पांच करोड़ रुपया अगर कर उसके पास आ गया आम आदमी नहीं समझ पाएगा ये गेम को और जितने अमीर आदमी ना उसी मल्टीप्लिकेशन में लगे हुए हैं ये वाली मल्टीप्लीकेशन अमीर बनाती है फिर से। वो तो एक जस, जस अरे नहीं फर्क पड़ता है कुछ नहीं करा ब, ब, इतना कमाने के तो होगा नहीं वो पांच करोड़ आने के बाद इन्वेस्ट करेगा खर्च नहीं करेगा एक महीने के लिए भी पड़ा है ना अकाउंट में तो आईफोन पैसे आ जाएंगे बहुत सारे आईफोन आ जाएंगे आईफोन का स्टोर खुल जाएगा ठीक है तो मैं सिंपल सी एक चीज बोल रहा हूँ देन इट डजेंट मैटर वेन योर गेम इज़ लाइक दिस बट वो गेम पहले दिन नहीं बनती भाई ना आपकी बनी ना हमारी बनी आपकी मुझे नहीं पता सॉरी सर सॉरी सॉरी आई एम सो सॉरी बट मेरी नहीं बनी बट वो पहले दिन नहीं बनती ज़्यादातर सेल्फ मेड लोगों की पहले नहीं बनती बट गेम तो यही बनानी है। आज मैं बहुत छोटा प्लेयर हूँ कोई बात नहीं वो आज का गाना गड़ा चल रहा है आम जी मुंडे खास बनते तो मेरे को पंजाबी थोड़ी, थोड़ी कम आती है सॉरी मुझे पंजाबी थोड़ी कम आती है आपको ज्यादा आती होगी तो कहने वाला आम लोग खास हो जाते हैं ना तो वो वो उसके लिए ये पीछे पीछे छोटी छोटी चीजें हैं बट वो मल्टीप्लीकेशन जब आप उसे यार आप सोचो आम आदमी पाँच करोड़ रुपए इन्फ्लो लाने के लिए कौन बनेगा करोड़पति के सपने देखता है उस आम आदमी ने मेरे रिलेटिव ने ये करा वो यही कर रहा है तो शायद मुझे ऐसा पर्सन लगता है कि ये वाली जो चीज ना ये सिखानी है लोगों को mm. क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में कौन सिखाएगा बिल्कुल जो समझो मेरे पापा स्ट्रगलिंग थे उन्हें पता ही नहीं था कैपिटल गेन होता है मैं उनसे पूछू पापा शेयर मार्केट से अगर स्टॉक्स बढ़ जाए तो क्या टैक्स लगेगा mm. उन्हें ये नहीं पता इन्वेस्टमेंट कैसे होती है मैं उन्होंने रियल स्टेट में तो उनके पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं थी कभी पता ही नहीं कभी टैक्स भरा ही नहीं mm. तो इतना पता ही नहीं है ना तो कहने का मतलब क्या है कि मिडिल क्लास फैमिलीज में ना पीपल डो नॉट हैनी आइडिया दो हजार से पहले स्टॉक मार्केट के अंदर कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कोई टैक्स टैक्स नहीं होता था हम तो 2018 तक स्टॉक मार्केट से पता ही नहीं थी uh. भाई जब पैसे आए तभी तो इन्वेस्ट करे तभी तो सीखा hmm, बात। तो कहने का मतलब क्या है कि यू आपको सच बता रहा हूँ तो अभी मैं यूके में गया एक मॉल में तो हेरोड्स नाम है शायद मॉल का अगर मेरी प्रोनउंसिएशन ठीक है तो वहाँ से हमने कुछ शॉपिंग करी तो उन्होंने कहा तो आपके पास यहाँ का आ, कार्ड है हेरोड्स का मेंबरशिप कार्ड मैंने कहा नहीं है कह रहा आप बना लो तीन परसेंट कैश आएगा तो कह रहे ये तीन परसेंट कैश ना आप हर किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हो आ, पूरे ऑल ओवर हमारा पूरे मॉल में जितने भी आउटलेट्स हैं बट आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते इसमें ना प्रॉपर्टी को खरीदनी कह रहे हम प्रॉपर्टी भी बेचते हैं तो मैंने कहा तीन परसेंट से कई प्रॉपर्टी आएगी कह रहे सर यहाँ पे लोगों के पास करोड़ों रुपया कैशबैक का पड़ा होता है <laughs> तो मत बोलो मतलब पहले मैं आपको चलो ये वाला एक्सपीरियंस बता देता हूँ अभी तो मैंने किसी को बताया please, please. नहीं सो so, मुझे लग्जरी घड़ियों का थोड़ा सा शौक है ठीक hmm. है तो मैं सिर्फ एक ही ब्रांड को प्रेफर करता हूँ दैट इज़ रोलेक्स मतलब मेरे को बाकी सब बेकार लगती हैं ठीक है आप कोई बोले उससे ऊपर बहुत ब्रांड्स हैं मैं उस लेवल पर नहीं हूँ सर तो मैं यहाँ तक सोच सकता हूँ मैं उसे अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं उस लग्जरी को अफोर्ड कर सकता हूँ मेरे उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे जो भी चीज़ें हैं तो मैंने रोलेक्स के शुरू में गया तो रोलेक्स की ना आपको तरीका बताता हूँ बेचने का आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा नाइन्टी परसेंट लोगों को पता ही नहीं होगा सो आप ये ट्राई करना आपके आसपास कोई बहुत अच्छा लग्जरी मॉल हो आप जाओ आप रोलेक्स के शुरू में जाओ और बोलो मुझे रोलेक्स खरीदनी है ठीक है तो कोई भी अच्छी रोलेक्स आपकी आठ दस लाख से कम की नहीं आएगी आपको जो मॉडल पसंद आएगा बारह लाख से कम का होगा ही नहीं ठीक है तो आपको नहीं पसंद आएगी आपको फिर भी आपको आप कहते हो मुझे बारह लाख वाली पसंद है वो डिस्प्ले में लगा रखे होंगे उन्होंने पीसेज और नीचे लिखा होगा ओनली फॉर एग्जीबिशन इसका आप ना शॉर्ट काट के भी लगा सकते हो तो ये बहुत चलेगा बिल्कुल तो आप जाओगे और आप बोलोगे मुझे बारह लाख की घड़ी लेनी है कहेगा सर अवेलेबल नहीं है वी डोंट हैव एनी पीस टू सेल नॉट जस्ट इन इंडिया मैं कह रहा हूँ नॉट जस्ट इन इंडिया ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड आप दुबई जाइए आबूधाबी जाइए कई कई जगह पे मिल जाते हैं पीसेस तो एक्सेप्शन है बट वो फिर आपको चार पांच पीसे ही होंगे उनके पास कुछ लेडीज़ होंगे कुछ ऐसे होंगे जो आप नहीं खरीदेंगे बट बेसिकली जो उनके हाई सेलिंग डिमांड वाले पीसेज होते हैं आप डेट दे डेट मांगोगे मिलेगा ही नहीं देगा ही नहीं वो वो है ही नहीं वो पच्चीस तीस लाख से घड़ी शुरू होती है वो कहेगा नहीं है जी है ही नहीं तो आप कहोगे मैं पच्चीस लाख की घड़ी लेने आया हूँ पच्चीस लाख रुपये की घड़ी मतलब लोग कहेंगे बेवकूफ हो गया आप पच्चीस लाख की कौन घड़ी लेता है तो मैं आपको बताऊँगा इसके ऊपर सो चलो पहले बता देता हूँ तो मैंने वाइफ के लिए घड़ी खरीदी एक रोलेक्स की पता नहीं यार अबाउट याद नहीं है मुझे तो आज मैं मेरी वाइफ पहन के चली गई तो वो कहता आप ये वाली घड़ी बेचोगे क्या हमें मैंने कहा नहीं हमें नहीं बेचनी कह रहे आप बेच दो मैं आपको तीन लाख रुपये ऊपर दूंगा इसके सेकेंड हैंड में नहीं बेचनी कह रहा पाँच लाख रुपये ऊपर दूँगा हमें नहीं बेचनी कह रहे सर आपका मन बने तो बताना इसकी डिमांड है हमारे पास आप बेच सकते हो ये वाला पीस पीछे से कम आ रहा है हम आपको पाँच लाख रुपए ऊपर देंगे इस घड़ी में सो द रोलेक्स इज समथिंग जिसकी एक रीसेल है मैंने नहीं कहता आपको हमेशा पैसे ज्यादा मिलेंगे हो सकता कम भी मिले ठीक है बट वैसे नहीं मिलते मतलब जितने की आप लेते हो उतने तो आपको मिले बर्थ तो हमेशा रहती है और आगे अप्रिशिएट होते रहते उसका एक, रीजन क्या है कि रोलेक्स ने ऐसा कर रखा है कि लैक्स सिर्फ वन मिलियन वॉचेस बनाता है साल में मतलब दस लाख बट खरीदने वाले बढ़ गए हैं वो डिमांड कैसे क्रिएट कर रहे हैं इतनी महंगी घड़ी होगी आइए वो समझते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग है तो आप जब जाओगे तो वो कहेगा नहीं है घड़ी हमारे पास कोई घड़ी नहीं है आपको बेचने के लिए और आप चले जाओगे क्योंकि जब वो बेचने के लिए घड़ी नहीं है तो आप चले जाओगे बेसिकली जैसे घड़ी लेनी होती है ना वो ऐसे नहीं आता तो वो जो लोग उनका टाइम वेस्ट करते हैं उन्हें घड़ी दिखाते ही नहीं hmm. वो दिखाएंगे ही नहीं वो टाइम ही नहीं देंगे वो खड़े होंगे वहाँ पे सूट पहन के बट वो आपको घड़ी नहीं दिखाएंगे वो दिख रही है डिस्प्ले में देखो जाओ बेचने के लिए नहीं है क्योंकि उन्हें पता है आप टाइम वेस्ट करने वाले हो तो बेसिकली क्या जैसे आपको घड़ी लेनी होगी और आपको पता पुष्कर के पास है तो आप मुझे एक बार फोन करोगे पुष्कर वाला मॉडल कैसा है एग्जाम्पल के लिए और आप मुझे कहोगे तुमने कहाँ से ली मैं एग्जाम्पल बोलूँगा कहाँ से ली तो मैं अपने ना रिलेशनशिप मैनेजर को फोन कर दूंगा कि अमित जी आ रहे हैं उन्हें दिखा देना तो वो आपको पूरा इंटरटेन करेगा तो जनरली क्या होता है ना रोलेक्स का बिजनेस रिलेशनशिप वाला होता है अब वॉक इन क्लाइंट्स जो होते हैं ना तो वो आपको पहले जज करेगा आपने क्या पहना है आपकी अभी घड़ी कौन सी है अगर आपने सस्ती घड़ी पहनी है आपको रोलेक्स दिखाएगा ही नहीं दिखाएगा ही नहीं तो एक इस तरह का सिस्टम मेंटेन किया हुआ दिखाएगा ही नहीं मैं आपको बता रहा हूँ नहीं दिखाएगा अब क्या हुआ मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा था सर so, मैं यूके में गया ठीक है उस दिन वैसे तो मैं रोज ऐसा नहीं था बट उस दिन अच्छे कपड़े पहने हुए थे मैंने पहले तो उसने देखा इंडियन तो इंडियंस को तो एंटरटेन करते नहीं है खासकर जो लंडन के लोग हैं जो इंग्लिश लोग हैं उनके अंदर आज भी है इंडियंस को लेके मेंटालिटी एनी तो उसने मेरे से मैंने उसे बोला कि डू हैव एनी मॉडल टू सेल तो उसने कहा नो वी डोंट हैव एनीथिंग ठीक है तो मैंने उससे एक दो क्वेश्चन और पूछे कहता वेट आइए आप मेरे साथ आइए तो मुझे प्राइवेट लॉन्च में लेके गया कहता लेट मी फिगर आउट इफ़ वी कैन अरेंज एनी पीस फॉर यू कोई शायद एक घड़ी में ले आऊँ आपके लिए शायद तो वो कैसे वो लेके गया उसमें वो सवाल इम्पोर्टेंट है तो उसने सवाल पूछा कि आप कौन सा मॉडल देख रहे हो कि आपको रोलेक्स के बारे में पता भी है नहीं पता नहीं। तो मैंने कहा मैं डे डेड देख रहा हूँ या मैं ऑयस्टर पर्पैचुअल देख रहा हूँ मेरे को पता था थोड़ा सा कह रहा मेरे पास एक फुल गोल्ड में वॉच है वो मैं आपको दे सकता हूँ ना कितने की वॉच है तो उसने बोला फोर्टी थाउजेंड पाउंड्स लगभग आप मान लो चालीस लाख रुपए तो वो भी मुझे नहीं पता अभी मैं देखता हूँ तो वो मुझे अंदर ले गया अब उसे पता था कि मैं चालीस लाख रुपए क्योंकि उसने जज कर लिया कि ये बंदा अफोर्ड कर भी सकता है नहीं कर सकता अब पॉइंट ये है कि मेरे को चालीस लाख की गाड़ी लेनी नहीं थी नहीं लेनी थी उस दिन मतलब मेरा कोई मूड नहीं था ये अलग बात है अफोर्डिंग टू अफोर्ड इज अ डिफरेंट थिंग बट मेरे को उस दिन नहीं लेनी थी जो मुझे मॉडल लेना था वो मुझे पता है उससे कम में आ जाएगा ठीक है जो मुझे लेना है एक्चुअल में तो वो उसमें कम में आ जाएगा ठीक है तो मैंने उसे कहा कम से कम चलो इसने टाइम दिया अभी क्योंकि वॉक इन क्लाइंट को एंटरटेन नहीं करते वो खासकर इंग्लिश लोगों के सामने अब इंडियन हो तो वो थोड़ा इंटरटेन कम करते हैं आप सऊदी अरब से हो तो कर लेंगे पक्का वो फिर कर लेंगे तो मुझे अंदर लेके गया तो पॉइंट क्या है उस दिन से मैंने अच्छे कपड़े थोड़े से अच्छे ब्रांड्स के जो भी कह लो अच्छे पहने हुए थे मेरे भाई ने नहीं पहने थे उतने या मेरे साथ मेरी वाइफ भी थी तो चलो मैं गया तो फिर मेरे साथ वो भी गए तो उनने वॉच दिखाई मैंने बात करी तो मैंने कहा देखो यार ये घड़ी है ना ये जो है और ये देखो मेरे पास जो है ये बिल्कुल सिमिलर है ठीक है ये बिल्कुल एक जैसी सी दिखती हैं तो मेरे को सेम मॉडल नहीं चाहिए मुझे कुछ डिफरेंट दिखाओ कह रहा मैंने आपको बोला तो से एक ही घड़ी है हमारे पास मैंने कहा फिर भी चेक कर लो शायद कोई वॉच हो सिस्टम में जो शायद मिल जाए कहता तो वेट लेट मी फिगर आउट वो गया पाँच मिनट लगाए फिर एक घड़ी और लेके आया वो सिर्फ दस लाख रुपए की थी या बारह लाख की थी सॉरी वो मुझे पसंद नहीं है वो डल घड़ी थी एग्जाम्पल तो फिर मैंने उसे बोला वो बाहर जो मॉडल लगाया वो दे सकता है कहता आपको पता है ना कि हम सिर्फ और सिर्फ या तो वेटिंग में देते हैं घड़ी या ऐसे क्लाइंट बेस में देते हैं तो वो आपको नहीं मिलेगी वो एग्जीबिशन पीस है अब कहने का मतलब क्या है कि वो आपको एंटरटेन ही नहीं करता hmm. बट पहले उसके पास एक भी घड़ी नहीं थी बेचने के लिए याद रखना आप उसका स्टार्टिंग वर्ड hmm. नहीं है भाई एक भी घड़ी नहीं है फिर एक घड़ी निकली फिर वो तो दूसरी घड़ी निकली फिर मतलब पॉइंट ये था कि इवन वी वर गेटिंग लेट एंड उसके पास एक क्लाइंट था अवेलेबल मैंने बोला सऊदी तो उसका एक सऊदी का क्लाइंट था उसकी अपॉइंटमेंट फिक्स थी तो उसने कहा आप कल आ जाओ फिर मैं देखता हूँ कुछ अगर हो सकता है तो अदरवाइज़ ये वाला जो हाई सेलिंग वॉच है हम नहीं देंगे मुश्किल है मतलब वो बहुत मुश्किल है तो वो फिर क्या करते हैं उसका तरीका बताता हूँ लेने का वो क्या कहेंगे कि कई जगह ऐसा होता है कि रोलेक्स के साथ ना जैसे हुब्लो वगैरह और इस तरीके को दूसरे ब्रांड्स भी होते हैं कई जगह सिर्फ सिंपल रोलेक्स मिलेगी तो जहाँ पे दूसरे ब्रांड्स होते हैं तो वो वॉचेस इतनी नहीं बिकती तो वो कहता है आप दूसरी वॉच लो तो मैं आपको वाली वॉच दूंगा मतलब आप दूसरा ब्रांड लो जो फालतू का ब्रांड फालतू तो कोई नहीं है सारे अच्छे ब्रांड्स होंगे बट वो लो तो मैं दूंगा पॉइंट यहाँ पर ये यह है जस्ट सी हाउ दे आर सेलिंग अब पॉइंट क्या है जब आम आदमी गया तो उसे क्या लगा कि रोलेक्स तो मिलती ही नहीं है रोलेक्स तो है ही नहीं रोलेक्स में के शोरूम में जाते हैं वो भेज देते हैं वापस है ही नहीं हमारे पास कोई पीस आप दुबई मॉल में जाओ आप उसे बोलो कि मुझे रोलेक्स चाहिए वो आपको भगा देगा वो कहेगा है ही नहीं मतलब एग्जाम्पल तो शायद वो एक आधा पीस आपको दिखा भी दे जो उनका कम डिमांड में रहता है सो so लग्जरी को बेचने का भी एक उनका तरीका है कि hmm. जो अफोर्ड कर सकता है और जो टाइम वेस्ट नहीं करेगा उसे कैसे बेचना है एंड देन दे डू नॉट गिव डिस्काउंट्स बट तब भी लोग खरीदते हैं तो आप सोचो एक एक करोड़ रुपए की लोग घड़ियां खरीद रहे हैं तो लोगों पैसे की कोई लिमिटेशन नहीं है। तो कभी कमी रही नहीं है हमारे देश में भारत नहीं मैं मैं सिर्फ देश की बात नहीं आ, कर रहा दुनिया की बात कर रहा हूँ देखो इंडिया के अंदर क्या है ना जो अमीर है ना बहुत अमीर है अमीर इतना अमीर है कि वो फाइव स्टार होटल खरीद सकता है इतना अमीर है और जो गरीब है ना वो इतना गरीब है कि वो फाइव स्टार में एक नाइट भी अफोर्ड नहीं कर सकता और इंडिया के अंदर ना गैप बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है उसका रीज़न पता है क्या है वही फाइनेंशियल एजुकेशन क्योंकि अमीर देखो कैसे कमा रहा है मैंने वो जम्स बताई पाँच करोड़ कैपिटल गेन हुआ फिर कुछ और किया उसमें दो करोड़ का कैपिटल गेन हुआ फिर कुछ और किया वो करते करते सौ दो सौ पाँच सौ करोड़ का आदमी बन गया और जो आदमी मिडिल क्लास था वो सोच रहा था एक लाख की नौकरी होगी तो बहुत बढ़िया होगा एक लाख की हो गई फिर एक से डेढ़ हो जाएगी एक से दो हो जाएगी बट अगर आप दो लाख भी कमा रहे हो आप साल के चौबीस कमा रहे हो आप दस साल में जाके कमाओगे ढाई करोड़ तब जाके एक फ्लोर भी नहीं आएगा वो आएगा नहीं, नहीं, नहीं आएगा वो एक अलग बात है बट वो जो <laughs> अमीर <laughs> आदमी है ना वो अपने माइंड की वजह से वो आपसे एजुकेशन में बहुत कम होगा आप देखो बहुत सारे अमीर लोग होते हैं पढ़े लिखे नहीं होते बिल्कुल बट अमीर होते हैं तो कहने <laughs> का मतलब है शायद आपकी एकेडमिक एजुकेशन से अमीर होने का कोई लेना देना नहीं है तो वो ली फाइनेंशियल एजुकेशन वो कैसे आएगी

एक डिफरेंट कैटेगरी है जो चीज़ों सुनना चाहती है समझना चाहती है इम्प्लीमेंट करना चाहती है लोग पता है बहुत सारी वीडियोज़ को मज़े के लिए देखते हैं मैंने कई बार कई लोगों से बात की कई लोगों ने ये बात कही कि भाई इतना वैल्यूबल कंटेंट हमने डिलीवर किया व्यूज़ नहीं है मैंने तो कहा आपके जो व्यूज़ हैं वो लिमिटेड हैं क्योंकि वो डायमंड है अगर सोना चांदी और लोहा बेचना है तो नीचे भीड़ बढ़ती जाएगी सो तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप क्या कॉन्टेंट डिलीवर कर रहे हैं तो उसकी व्यूअरशिप किस तरह की है So, I guess इतना काफी लोगों के लिए, आज के लिए लिए आज हमें शायद great, तो मैं मैं बोलता रहूंगा और और लोग लोग सुनते रहेंगे पता नहीं कितने इसमें वैल्यू निकाल पाएंगे तो भाई अगर आपको इस कंटेंट की जरूरत होगी वर्कशॉप हाँ, करते हैं तो फ्रेंड्स अगर आप फाइनेंशियली अवेयर होना चाहते हैं चीजों को सीखना समझना चाहते हैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं अपनी पावर को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो पुष्कर राज ठाकुर सर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जहां आपको फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित हजारों वीडियो आपको मिलने वाली है और वही वीडियो आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देंगे स्वस्थ रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी और मेरे साथ में आज स्पेशल गेस्ट पुष्कर राज ठाकुर जी हम दोनों मिलकर आपके सुंदर भविष्य की कामना करते हैं जय हिंद मच जय भारत थैंक यू थैंक्स टू यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम थैंक यू सो वेरी मच अभिमन थैंक यू